हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मैं सुजीत मजुमदार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक हमारे पास ये लैपटॉप है डेल का देख पा रहे हैं, तो ये जो है थोड़ा सा परफॉर्मेंस स्लो कर रहा है, तो इसको हम परफॉर्मेंस को इसका बढ़ाएंगे, स्पीड जो लगभग 10 से 20 गुना ज़्यादा स्पीड हमको इसको करना है। जैसे कि आपको पता है SSD जो है अभी नया टेक्नोलॉजी अभी यूज़ हो रहा है, हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके जो अपन SSD लगा रहे हैं तो स्पीड जो है काफ़ी अच्छा हो जा रहा है, ठीक है। तो उसके जगह पे हम हार्ड डिस्क के जगह पे हम लगाएंगे SSD, ठीक है। तो ये हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं 256 GB का SSD, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देख पा रहे हैं 256 GB का ये SSD है, ठीक है। और इसको लगाने के बाद फ्रेंड्स, इसमें जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो उस हार्ड डिस्क को हमको स्टोरेज के लिए यूज़ भी करना है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हार्ड डिस्क को जो है हम लगाएंगे DVD के जगह में, और DVD के जगह में देख पा रहे हैं पूरा DVD जो ड्राइव होता है उसके लुक में ये बना हुआ है, इसको KD बोलते हैं। तो हार्ड डिस्क के जगह में हम लगा देंगे SSD, और जो हार्ड डिस्क निकलेगा उसको हम इसमें डालेंगे और वो जो है CD ड्राइव के जगह में वो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो बूटिंग वगैरह है, जो विंडोज़ के लिए हम SSD को यूज़ करेंगे, जो कि खूब फास्ट स्पीड होने वाला है, और डाटा स्टोरेज के लिए हम जो है हार्ड डिस्क में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, नुकसान आपका कुछ भी नहीं है, पर हाँ नॉलेज और ज्ञान ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है हार्ड डिस्क निकल गया है, अब इसके जगह पे हमको लगाना है SSD, तो ये SSD है।
ये लैपटॉप है फ्रेंड्स, इसमें हम लगा देते हैं, इसको ऐसे डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद हमको जो है पीछे से उसमें एक स्क्रू रहता है, उसको हमको टाइट करना है। लेकिन स्क्रू टाइट करने से, पूरा कंप्लीट फिक्स करने से पहले एक बार हम इसको चालू करके देखते हैं कि सेकेंडरी में हमारा वो दिखा रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार लूज रहता है या कुछ भी बायोस सेटिंग का रहता है, तो वो सब ना हो। तो देख पा रहे फ्रेंड्स, ये जो है अपना SSD से ही बूट किया हुआ है। तो अब इसका जो हमने हार्ड डिस्क लगाया है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं, ये जो 126 GB दिखा रहा है और ये 111 मतलब 111। तो ये जो दोनों हैं, ये SSD है और ये जो है हार्ड डिस्क है, 390 का ये है, 390 का ये है और ये लगभग 150 का ये है। तो ये अपना जो है तीन ड्राइव आप देख पा रहे हैं हार्ड डिस्क है। और ये तो खैर इसका जो रिकवरी फाइल वगैरह जो बनाता है उसके लिए जो पार्टीशन छोटा सा बनता है वो है 500 MB का, 500 MB, ठीक है। तो ये अपना SSD भी हो गया और ये जो है अपना हार्ड डिस्क भी हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे नया कुछ जानकारी के साथ, नया कुछ अल्टीमेट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।